वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉरिस टू टाइप रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने नॉरिस वन टाइप के बारे में डिस्कस किया था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली जो नॉरिस टू टाइप रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, देखो नॉरिस टू टाइप जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कंडीशन होता है वो होता है गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को चूज करूंगा आर सी ओ, ठीक है, दिस इज योर सी एच थ्री, क्लियर हो गया। अभी इसका गामा हाइड्रोजन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल, दिस इज अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज गामा, तो ये हो गया गामा हाइड्रोजन, राइट। देन वी कैन राइट लाइक दिस वे। अच्छा, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, फोटोलाइटिक कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन फोटोलाइटिक कंडीशन में होता है। फोटोलाइटिक कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आर सी ओ रेडिकल एंड सी रेडिकल एंड ये हाइड्रोजन, राइट। तो वही जाके इसको एक्सेप्ट करेगा ये हाइड्रोजन को और ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो देखो ये जो मेंबर ये रिएक्शन हो रहा है 1 2 3 4 5 6, बेसिकली दिस इज सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो उसके बाद क्या मिलेगा, आर ओ हाइड्रोजन या फिर रेडिकल CH2। तो ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी ये जो मैंने ये स्टेप किया है H2 कंडीशन में CO बॉन्ड को ब्रेक किया, ये क्या होता है, देखो कार्बोनिल, अगर हम लोग कार्बोनिल पार्ट को देखेंगे यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर मैं इसका इसका एनर्जी को ड्रॉ करूंगा, एनर्जी ऑर्बिटल को अगर ड्रॉ करूंगा, तो सिग्मा नीचे रहता है, उसके बाद पाई आता है, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग आता है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। तो देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, नॉन बॉन्डिंग कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एच नू यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, फोटोलाइटिक कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, राइट। देन क्या मिलेगा हम लोगों को, पाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर पाई स्टार में। अभी देखो ये स्पिन ये हो सकता है और यू कैन राइट लेके दिस वे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंगलेट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको जब हम लोग कार्बोनिल में एच नू दे देते तो ये बेसिकली सी ओ होता है, ऐसा मतलब ये ऐसा भी हो सकता है और यू कैन राइट लाइक दिस वे, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। तो बेसिकली अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन में ये जो सी ओ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है पाई और ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली उसका ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड पाई स्टार ऑर्बिटल में, राइट। सो दिस इज बेसिकली एन टू पाई स्टार। यहाँ पे और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी पाई स्टार में जा सकता है, दैट मींस तो ये बन गया हमारा पाई टू पाई स्टार। और तो ये बेसिकली सिंगलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रिपलेट स्टेट, राइट। तो ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अगर हम लोग कार्बोनिल की बात करेंगे फोटोलाइटिक कंडीशन में ऐसे करके ये ब्रेक होता है, ओके। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो फर्स्ट जो रूल है वो है गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अभी ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है वो देखो सिक्स मेंबर के थ्रू जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन रहेगा तो बेसिकली ये नॉरिस टू टाइप रिएक्शन होगा, कंडीशन है वो सिक्स मेंबर के थ्रू जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है, अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम है गामा पोजीशन में, बट वो हाइड्रोजन एटम जब वो ऑक्सीजन पिकअप करेगा तो वहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म नहीं होगा, देन ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ओके। नाउ द सेकेंड रूल, सेकेंड रूल जो है वो है बीटा बॉन्ड क्लीवेज। तो नॉरिस वन टाइप में क्या था, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज,
इस रिएक्शन में है बीटा बॉन्ड क्लीवेज। नाउ व्हाट इज द बीटा बॉन्ड? अगर हम लोग ये कार्बोनिल की बात करेंगे, ये जो बॉन्ड है दिस इज योर अल्फा बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज योर बीटा बॉन्ड, राइट? तो बेसिकली दिस बॉन्ड इज अल्फा, दिस इज बीटा, राइट? अगर मैं इसको अभी देखो यहाँ पे रेडिकल है, ओके? और तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली ब्रेक करता है, तो हम लोगों को क्या फॉर्म होता है, दिस इज योर एनॉल, उसके बाद ये टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दिस इज योर इथिलीन। सो ये जो बॉन्ड है दिस इज योर बीटा बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है? अभी बहुत सारे और भी स्टेप होता है, साइक्लाइजेशन। अब ये साइक्लाइजेशन बेसिकली फोर मेंबर होता है, फोर मेंबर साइक्लेशन। ये क्या होता है, देखो ये जो स्टेप हुआ है, अगर बीटा बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुआ है तो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा आर ओ एच सी एच टू रेडिकल, तो बेसिकली ये बीटा बॉन्ड अगर क्लीव नहीं हुआ देन और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ये साइक्लाइज कर सकता है, ठीक है? तो ये बन गया फोर मेंबर प्रोडक्ट, ठीक है? तो नॉट इज टू टाइप रिएक्शन के हम लोग ये तीन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज योर गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है मैं और एक बार बता देता हूँ, कोई कार्बोनिल कंपाउंड में अगर गामा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो गामा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट करेगा थ्रू सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगा तो वो नॉरिस टू टाइप रिएक्शन नहीं करेगा। अभी नॉरिस टू टाइप रिएक्शन में देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज, बीटा बॉन्ड क्लीव करके ऐसे करके प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, और अगर नॉरिस टू टाइप में बीटा बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुआ है देन ये साइक्लाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप है ना बीटा बॉन्ड क्लीवेज, रिमेंबर ये जो बीटा बॉन्ड क्लीवेज और साइक्लेशन है ये डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अगर स्टेबल होगा, अगर से फॉर बीटा बॉन्ड क्लीवेज में प्रोडक्ट स्टेबल है तो डेफिनेटली बीटा बॉन्ड क्लीवेज के पाथ में जाएगा, अगर साइक्लेशन में प्रोडक्ट स्टेबल होगा देन साइक्लेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है? वो डिपेंड करता है, बट ये जो स्टेप है दैट इज कॉमन स्टेप, ठीक है? और बाकी दो और तीन स्टेप में डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, ओके? तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट नॉरिस टू टाइप रिएक्शन का। अभी ये जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रॉ किया है ये बेसिकली मैंने सीएसआई नेट से पिकअप किया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूंगा देखो एच टू कंडीशन में मुझे पहले देखना है वाई इज द गामा हाइड्रोजन, राइट? अल्फा बीटा गामा, दिस इज अल्फा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन बीटा गामा, बट दिस बॉन्ड इज योर अल्फा बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज योर बीटा बॉन्ड, राइट? ओके, नाउ ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा अंडर फर्टिलिटी कंडीशन में, ऐसे करके मैं ड्रॉ करता हूँ, और ये जो रेडिकल जाएगा वो जाके इसको एक्सेप्ट करेगा, वो इधर शिफ्ट होगा, राइट? देन हम लोगों को क्या मिलेगा ओ एच, ओके? नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने नॉरिस वन टाइप जब रिएक्शन मैंने डिस्कस करा था उस टाइम मैंने बताया था अगर कोई सिस्टम में ऐसा कोई बेंजाइल रेडिकल सॉरी द एलाइल रेडिकल जनरेट कर रहा है, एलाइल रेडिकल सी एच टू रेडिकल दिस इज एलाइल रेडिकल, तो वो क्या करता है इमीडिएटली डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है, राइट? तो ये इसके साथ डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, राइट? अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा देखो ओएच सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू रेडिकल, राइट? और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है मैंने क्या बताया था साइक्लेशन भी हो सकता है, तो अगर वन टू थ्री फोर अगर यहाँ पे फोर मेंबर साइक्लेशन हो रहा है, साइक्लेशन में क्या होगा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट? देन वील गेट फोर मेंबर साइक्लेशन फोर मेंबर्स साइक्लिक रिंग वन टू थ्री फोर, राइट? ये बन गया एक प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। बट देखो अगर मैं इस वाले स्टेप को देखूंगा इज इट ओके, ओके अगर मैं इस वाले स्टेप को देखूंगा वी कैन रोटेट दिस बॉन्ड। अभी ये जो डबल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री है देखो ये बेसिकली सीस और वी कैन राइट जेड और वी कैन राइट सीस, वी कैन रोटेट दिस बॉन्ड ओ एच या रेडिकल सी एच टू रेडिकल, क्लियर हो गया? ओह सॉरी वन टू वन टू, देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टील जेडी है, राइट?
ओके नाउ ये जाके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर अभी अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो अभी 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 6। Now कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल रहता है, 6 मेंबर और 4 मेंबर? ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये नहीं फॉर्म होगा, और इकनर से दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अभी इस वाले केस में देखो बीटा बॉन्ड क्लीवेज नहीं है, बिकॉज ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वहां पे डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली वो उस पाथ में रिएक्ट करेगा एंड देन फॉलोड बाय ये साइक्लेशन करेगा, तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस विल बी योर ए। ओके नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूंगा, देखो यहां पे क्या है, देखो सिमिलरली अल्फा बीटा गामा, ओके गामा हाइड्रोजन है, राइट तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और वो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो रेडिकल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्लियर हो गया, CH3 देन ओ एज रेडिकल डबल बॉन्ड, ठीक है। नाउ देखो अभी क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, दो स्टेप हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं साइक्लाइजेशन, तो मैंने ऑलरेडी बताया था हम लोगों को जितना पॉसिबिलिटी है साइक्लाइजेशन बीटा हाइड्रेट सॉरी बीटा बॉन्ड क्लीवेज सब करके देखना है किसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, राइट। अगर ये साइक्लाइजेशन करेगा तो इस तरह से करेगा, 1 2 3 4, डेफिनेटली 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, ठीक है, तो एक कार्बन में मिथाइल है ओरिज है, नेक्स्ट कार्बन में डबल टू मिथाइल है और दिस इज डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकता है, दिस रेडिकल, देखो इसको अगर सही से देखोगे ये जो रेडिकल नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, सो दिस इज एलाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल डेफिनेटली जाके क्या करेगा, दिस इज कार्बन, ओके तो ये जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा ऐसे करके, एज ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH2 रेडिकल जनरेट होगा, इसको मैं जस्ट रोटेट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ये बन गया। अभी देखो सिमिलरली ये साइक्लाइज कर सकते अभी 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड CH3, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जाके कीटोनल टॉटोमराइज करेगा, तो बेसिकली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ विच वन इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, तो बेसिकली ये देखो ये जो बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट स्टेबल। अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसका जो दो ग्रुप होता है, इसका जो बेसिक केमिस्ट्री, इसमें एक एंगल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं इसको 4 मेंबर रिंग फॉर्म करूंगा तो डेफिनेटली वो एंगल कम हो जाएगा, सो डेफिनेटली रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, राइट। बट इस वाले केस में देखो वो डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्लियर हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे और भी रीजन है, ये तो स्ट्रेन फास्ट रीजन, और देखो ये नेक्स्ट कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप अटैच्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर बी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, तो हम लोगों को क्या करना है, काउंट करना है विच वन इज योर अल्फा, विच वन इज बीटा, विच वन इज योर गामा, सिमिलरली अल्फा बीटा गामा, राइट। तो गामा कार्बन पे दो प्रोटॉन है, दैट इज योर गामा हाइड्रोजन। अभी कौन सा प्रोटॉन को लेगा, ऑब्वियसली दिस, अगर इसको लेगा तो देखो यहाँ पे 6 मेंबरिंग हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन एक्सेसिबल है, नॉट दिस वन, तो ये जाके फोटोलाइटिक कंडीशन में ऐसे करके ब्रेक होगा, तो वो जाके इसका अटैक करेगा, या फिर ये होमोलाइटिक क्लीव होगा, सो बेसिकली वी विल हैव
ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो फोर मेंबर रिंग फॉर्म नहीं होगा, इमीडिएटली साइक्लेशन नहीं होगा। अगर साइक्लेशन करेंगे तो 1 2 3 4 ये रिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो बेसिकली फोर मेंबर साइक्लेशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, बिकॉज दिस बॉन्ड बेसिकली ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज रिंग सिस्टम, ब्रिज रिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत स्ट्रेन रहता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नॉरिस वन टाइप रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई ब्रिज सिस्टम होता है तो वो इजिली ब्रेक कर जाता है। राइट, नॉरिस वन टाइप में ब्रिज सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज बहुत फेवरेबल होता है। ओके, नाउ इस वाले केस में क्या होगा, डेफिनेटली ये रिंग ब्रेक हो जाएगा, सॉरी दिस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ रेडिकल, दिस अनदर रेडिकल एंड दिस इज अ फिनाइल। ठीक है, अभी देखो ये दोनों बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके। जब हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं तो हम लोग फुल सिंबल यूज करते हैं। राइट, जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं तो एक साइड को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड देन यू हैव दिस। तो ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, देन वी कैन राइट लाइक दिस 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग है। सो बेसिकली 1 2 3 4 5, 1 2 डबल बॉन्ड, 5 में क्या है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये एनॉल कीटोन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सी। क्लियर हो गया, तो ऐसे करके हम लोगों को नॉरिस टू टाइप का रिएक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो कितना पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, अगर गामा हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट होगा वो अगर 6 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा देन दैट इज फेवर। लेट्स से अगर इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी, अल्फा बीटा गामा, राइट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे गामा कार्बन और सब में तो हाइड्रोजन है, राइट, बट कहाँ पे जाएगा, ओनली दिस साइड, क्यों, बिकॉज अगर इस साइड में जाएगा तो वो देखो किस तरह से वो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। मैं इसको यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ करता हूँ, मैं इस कार्बन को CH2 और हाइड्रोजन ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, दिस इज बिलो, दिस बिलो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट टाइम अगर H2 कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे करके ब्रेक करेगा तो ये जाके ये पे अटैक करेगा। राइट, क्या होगा, 6 मेंबर 1 2 3 4, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, देखो ये 6 मेंबर तो जा रहा है, तो बेसिकली हम लोग क्या बनेगा, हाइड्रोजन बिलो हाइड्रोजन CH2 रेडिकल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग इसको 4 मेंबर रिंग भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग इसको अभी साइक्लेशन कर देंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ओ एंड इट इज बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल, बेसिकली ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेप नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्टेप और क्या हो सकता है, अगर साइक्लेशन नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। अभी यहाँ पे बीटा बॉन्ड क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप अल्फा बीटा, डेफिनेटली जो 6 मेंबर का पार्ट होता है वही बीटा बॉन्ड ब्रेक करता है। राइट, जो 6 मेंबर रिंग का पार्ट होता है वही बीटा बॉन्ड ब्रेक करता है। अगर हम लोग यही रिंग को देखेंगे, दिस बॉन्ड, ये जो बीटा बॉन्ड, ये जो बीटा बॉन्ड, ये 6 मेंबर रिंग का पार्ट था तो वही ब्रेक करेगा डेफिनेटली, तो वो इस तरह से ब्रेक करेगा। राइट, इस तरह से आएगा, देन वी कैन राइट लाइक दिस वे, सॉरी क्लियर हो गया। अभी ये जाके इसके साथ बॉन्ड बनेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH। अभी यहाँ पे जो प्रोटॉन देखो बिलो द प्लेन था, अभी ड्यू टू ये sp2 सेंटर है, अभी ये प्लेन में आ गया, बट ये जो हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री वो बिलो द प्लेन ही रहेगा। नाउ दिस इज योर टर्मिनल डबल बॉन्ड,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एनॉल है ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ। सो देन द फाइनल आंसर विल बी योर दिस कीटोन बिलो द प्लेन 1 2 3 4 5 राइट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, कितना है डी। ठीक है तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर डी राइट। ऑलराइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर हम लोग यही प्रॉब्लम को देखेंगे, देखो यहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। अगर हम लोग यही सिस्टम को देखेंगे, देखो यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन है, हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा राइट। तो ये बेसिकली गामा कार्बन है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो अगर यही कंडीशन है तो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट लाइक दिस वे PH एंड CH2 हाइड्रोजन। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जाके इसको एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली, तो क्या बनेगा PHOH रेडिकल एंड CH2 रेडिकल। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, देखो अभी ये साइक्लाइज भी कर सकते हैं बीटा, ये साइक्लाइज भी कर सकते हैं साइक्लाइजेशन, और ये बीटा बॉन्ड क्लीवेज भी कर सकते हैं राइट। दो पॉसिबिलिटी हम लोग को पता है, बट अगर हम लोग बीटा बॉन्ड की सॉरी अगर पहले हम लोग साइक्लेशन कर देते तो क्या होगा, देखो PHCOH ये एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम बीटा बॉन्ड की बात करेंगे तो दिस इज अल्फा बॉन्ड, दिस इज बीटा बॉन्ड ना, यहाँ पे देखो सी एंड नाइट्रोजन बॉन्ड है, दिस नाइट्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो ब्रेकिंग काइंड ऑफ इजी होता, बट ये देखो सी एंड ये नाइट्रोजन में न्यूट्रल है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन। ठीक है ये कार्बन और ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, इसका जो ब्रेक की बात कर रहे हैं बीटा बॉन्ड ब्रेकिंग, वो पॉसिबल नहीं है अंडर दिस फोटोलाइटिक कंडीशन, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है राइट। तो डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, सो देन दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके नाउ फॉर नॉरिस टू टाइम रिएक्शन, मैंने जितना भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है वो बेसिकली मैंने CSI नेट से पिकअप किया है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर ये आप सॉल्व करोगे सही से, आपको ये समझ में आ जाता है, तो आई थिंक ये सफिशियंट है। और एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल दे देगा और ये प्रोडक्ट दे देगा, देन देर विल लॉट ऑफ ऑप्शन, फोर ऑप्शन विच वन इज नॉट इज वन नॉट इज टू, और यू कैन से पार्टानुकुचि रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जितना भी रिएक्शन मैंने डिस्कस किया वो कुछ नाम दे देगा, तो बेसिकली नॉट इज टू टाइप रिएक्शन है। ठीक है कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो से मैं सोच रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है वहाँ से हम लोग बेसिकली बेसिक टू एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, जितना भी क्वेश्चन CSI NET गेट जैम में आता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि कोई स्टूडेंट अगर CSI NET और गेट अपकमिंग CSI NET गेट के लिए प्रिपेयर करे उसको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली NMR IR उतना डिटेल्स नहीं आता है, फिर भी IR कुछ डेटा हम लोग को याद रखना पड़ता है, और मास में बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है एंड प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रिसेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।